आपके शरीर का इलाज तभी संभव है जब आपको अपनी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी हो, और इसका पता तभी लग सकता है जब आप अपने इलाज के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, और अच्छा डॉक्टर आपको तभी मिल सकता है जब आपको डॉक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी हो। न्यूज वर्ल्ड इंडिया डॉक्टर स्पेशल के हर एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जो आपके स्वास्थ्य के प्रति आपकी समस्याओं का समाधान करें। इस बार हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर गौरव राठौर से। डॉक्टर गौरव राठौर की अगर उपाधि की बात करें तो डॉक्टर गौरव राठौर जेपी हॉस्पिटल में हड्डी रोग विभाग अतिरिक्त निर्देशक हैं। साथ में उन्हें MS यानी हड्डी रोग और MRCS मास्टर्स इन साइंस मास्टर्स इन केमिस्ट्री FRCS यानी ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स में महारत हासिल है। और क्या कुछ और मिसाल कायम की है डॉक्टर गौरव ने, इसे लेकर उनसे बात की न्यूज वर्ल्ड इंडिया की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट भारती सिंह ने। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। आज हम आए हैं जेपी हॉस्पिटल नोएडा और यहां हम मिल रहे हैं डॉक्टर गौरव राठौर से, जो कि ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट के एडिशनल डायरेक्टर हैं। सीधा चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ ये पूरा डिपार्टमेंट काम करता है। लेकिन उससे पहले सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहला सवाल यही कि ये पूरा डिपार्टमेंट आपका कैसे वर्क करता है, क्या कुछ काम इसमें आता है? तो देखिए, हम लोग ऑर्थोपेडिक्स में और इनफैक्ट सारी ही स्पेशलिटीज़ में आजकल एक टीम वर्क में काम करते हैं। तो मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ, मेरे साथ मेरे काफ़ी सारे सहयोगी हैं जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ही हैं। इसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के साथ बहुत क्लोज काम करता है। हमारा बैकअप होता है कई सारी नर्सिंग स्टाफ के साथ, जो भी उनमें से कई सारे काफ़ी स्पेशलाइज नर्सिंग होते हैं। उसके अलावा एनेस्थेटिस्ट होते हैं और बाकी और फिजिकल फिजिशियन स्पेशलिटीज़ होते हैं जो कि हमें सपोर्ट देते हैं। बिफोर वी मूव, मैं सबसे पहले आप ही के बारे में जानना चाहूंगी कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, जेपी तक का आपका सफर कैसा रहा है, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से हर्डल्स एक्चुअली निकला है? तो देखिए, मैं एक्चुअल में एक प्योर भारतवासी हूँ। ओके, ठीक है। रहने वाले वैसे मेरे फैमिली ट्रेडिशनली यूपी कानपुर वगैरह एरिया से है, पर मेरे फादर एक फौजी थे, तो मैं पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह में पढ़ा हूँ, जगह जगह पला बड़ा हूँ। तो मुझसे कोई होम टाउन पूछता है तो मैं हमेशा कहता हूँ मैं पूरे इंडिया का हूँ। मेरी जो मेडिकल एजुकेशन MBBS और MS था, ये मैंने इंदौर से किया था और वहाँ पे मैंने काफ़ी 10 बहुत अच्छे साल गुजारे। उसके बाद मैं 2002 में UK चला गया था, जहाँ से मैंने MCH, FRCS और बाकी और कुछ डिग्रीज हासिल की, और मैं वहाँ पे 11 साल प्रैक्टिस कर रहा था। 2013 में मैं वापस अपने देश आया लौट के, और तब से मैं दिल्ली के कुछ अस्पतालों में, और अब पिछले 5 साल से मैं JP आम, जैसे कि आपने बताया, इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज। इनफैक्ट अगर मतलब एक हमारे मेरे ट्रेनर थे, वो मुझे बोलते थे कि अगर हम लोग सब एक बहुत लंबा जिएंगे तो हमारे इनवेरिएबली हम सबको आर्थराइटिस कहीं ना कहीं महसूस होगा। तो आर्थराइटिस बेसिकली एक तरह की एजिंग प्रोसेस है, जैसे कि हमारे उम्र के साथ बाल पकते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं, उसी तरह से हमारे जोड़ों के अंदर एक परत होती है, कार्टिलेज होती है, जो कि चिकनाई से घुटने को चलने देती है। अब होता क्या है, समय के साथ वो परत थोड़ी सी स्टिफ पड़ जाती है, थोड़ी सी कड़क पड़ जाती है, और धीरे धीरे वो घिस के पतली पड़ जाती है। जब वो पूरी तरह से परत हट जाती है तो हड्डी आपस में रगड़ खाती है। इसी प्रक्रिया को हम आर्थराइटिस, गठिया, वेयर एंड टेयर कुछ भी कह सकते हैं, परंतु ये एक प्रोसेस होता है जो एक उम्र के बाद इनवेरिएबली हर पॉपुलेशन में चालू हो जाता है। परंतु ज़रूरी नहीं है कि ये प्रक्रिया से हर इंसान को दर्द भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है। तो आर्थराइटिस इज एक्चुअली एन एजिंग प्रोसेस, तो वी शुड टेक इट एज दैट इफ यू लिव लॉन्ग इनफ वी विल हैव टू फेस इट। सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में हम अक्सर सुनते हैं और बहुत कॉमन है ये भी, जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है वो अक्सर आजकल जो है वो, और स्पेशली एक्सीडेंट्स के टाइम पे भी यूजुअली देखने को मिलता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, और एजिंग प्रॉब्लम आपने अभी जैसे बताई तो उसमें भी ये चीज़ आती है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट कितना कॉमन है
और क्या इसके एक्सपेंसेस की भी हम बात करनी जरूर चाहेंगे कि कितना एक्सपेंसिव होता है पूरा प्रोसीजर? तो देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट जो ऑपरेशन है, ये जिसको हम कहते हैं एंड स्टेज आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है. इट्स नॉट द ट्रीटमेंट फॉर हर प्रकार के आर्थराइटिस में और हर स्टेज में नहीं करते हैं. जब हम हमारे और जो मेजर्स होते हैं आर्थराइटिस के, एंड वी कैन डिस्कस दैट, जब वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा बाधाएं आने लगती हैं जीवन शैली के अंदर, क्योंकि उनके घुटने दर्द हो रहे हैं या कूल्हे दर्द हो रहे हैं जहाँ पे भी उनको आर्थराइटिस है, कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने रोज़मर्रा का काम है उसमें भी उनको बाधाएं आती हैं, तब हम उनको जनरली रिप्लेसमेंट सर्जरी ऑफर करते हैं. रिप्लेसमेंट सर्जरी कितनी कॉमन है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जरी पूरी दुनिया के अंदर. आज अगर हम देखें तो कैटरैक्ट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म सर्जरी, एंड सेकंड आई थिंक वुड बी जॉइंट रिप्लेसमेंट. उसमें भी घुटने के रिप्लेसमेंट सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसके बाद प्रॉब्ली कूल्हे का जो रिप्लेसमेंट हम करते हैं. तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है. कॉमन इसलिए भी है, एक क्योंकि आर्थराइटिस बढ़ रहा है सोसाइटी के अंदर, उसके कई कारण हैं. दूसरी चीज़ इसलिए है कि आर्थराइटिस जो है, अब हमारी पॉपुलेशन भी एजिंग हो रही है. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी हमारी कंट्री के अंदर 37 या 39 ईयर्स थी. आज 65-70 के आसपास हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहुंच रही है. बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में 80 को क्रॉस कर चुकी है. जापान में तो 87 के आसपास पहुंच रही है. तो पूरी दुनिया के अंदर लोगों की सेहत बढ़ रही है, जीवित ज़्यादा रह रहे हैं. तो ठीक है, जब एक एज क्रॉस कर लेते हैं तो कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं और आर्थराइटिस इज़ वन ऑफ देम. और जहाँ तक आपने कॉस्ट की बात पूछी, तो हाँ, एक ज़माने के अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट वॉज ए वेरी एक्सपेंसिव सर्जरी. एक अपनी लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ. एक हमारे ब्रदर इन लॉ थे, हमारे जीजा जी, उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नामक बीमारी थी और 1991 में उनका ऑपरेशन हुआ था रिप्लेसमेंट का. तब बहुत कम जगह होता था, उन्होंने बॉम्बे में जाकर करवाया था वो. और तब हमें बताया जाता था कि भैया देखिए 4-5 लाख का खर्चा हुआ है उनका ऑपरेशन करवाने में. अब वही रिप्लेसमेंट आप सोचिए, आज ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए हैं. नाउ द कॉस्ट ऑफ सर्जरी इज गॉन लेस. अब 4-5 लाख से कम हो गई है. अब उसे कई कारण है. एक तो कई जगह हो रही है, इट इज़ नॉट अ, जिसे हम कहते हैं इजोटेरिक सर्जरी या एक्सक्लूसिव सर्जरी. अ लॉट ऑफ वेरी गुड ट्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन आर डूइंग दिस सर्जरी इन अ वेरी सक्सेसफुल वे, बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं. दूसरी चीज़ है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा स्टेप उठाया है कि इसको रिकॉग्नाइज किया है कि एक बहुत एसेंशियल सर्जरी है समाज के लिए. तो जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की कॉस्ट होती है उसको, जो इम्प्लांट की कॉस्ट होती है उसको गवर्नमेंट ने कैप किया है कि एक सर्टेन लिमिट तक ही उसको जो इम्प्लांट कंपनीज हैं उसको मार्केट कर सकती हैं. तो वो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप रहा है इसकी प्राइस को कंट्रोल करने में और ये सर्जरी आम जनता तक पहुंचाने के लिए. तो मतलब अब ऐसा है कि पहले बहुत जो रिच लोग होते थे, अफोर्डेबल होते थे, वही सोचते थे रिप्लेसमेंट के लिए. अब हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी आती है जो रूरल है, जो उतने उनके फाइनेंशियल मींस नहीं है, और वो भी इसके बारे में सोचते हैं. और क्यों नहीं, क्योंकि मतलब अच्छा दर्द मुक्त जीवन सबका हक है. सबका हक है, बिल्कुल. और साथ में मैं, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है आपका, ये बहुत ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है कि हर फैमिली में कोई एक इंसान जरूर सफर ही कर रहा होता है बोन की किसी ना किसी प्रॉब्लम से, जो कि हालांकि अपने आप में दुखद बात है, लेकिन क्योंकि ऐसी चीजें हैं और चल रही हैं और थैंकफुली कि आप लोग हैं हम लोगों को सेव करने के लिए. तो इसमें मैं ये जानना चाहूंगी कि सर्वाइकल जो है ये एक बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि यूजुअली लोगों को रहती है, और उसके बाद फिजियोथेरेपी हमारी टेल बोन तक पहुंचती है, उसका जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है जो हमारी गर्दन की रीढ़ की हड्डी होती है, और उसको हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं. और उसकी तकलीफ डेफिनेटली बहुत कॉमन हो गई है, प्रॉबेबली बिकॉज आजकल हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हमारा जो पूरा दायरा है यहाँ तक सिमटा हुआ है. हमारा फ़ोन, हमारा लैपटॉप, हमारी किताबें, हमारे जो पूर्वज होते थे उनका दायरा पूरी दुनिया था. वो खड़े होते थे अपने खेतों में, दूर तक देखते थे, तो उनका पोस्चर सीधा रहता था. हमारा गर्दन, हमारी पोस्चर ऐसी झुकी रहती है क्योंकि हम अपने फ़ोन में लगे हैं. और जो पुअर पोस्चर है ये सबसे बड़ा कारण है सर्वाइकल स्पाइन की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं. किसी ज़माने में ये सिर्फ जो हीरे जवाहरा तक काम करते थे या बही खातों में करते थे उन्हीं को होता था, मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस में. आजकल हम सभी एक इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन में आ गए हैं. आजकल वो फिजिकल लेबर वाला काम कहाँ रह गया. तो दैट इज आई थिंक वन ऑफ द रीजंस. और यूरिक एसिड के बारे में भी हमने सुना था, उस पर भी आपका टेक जरूर लेना चाहिए. देखिए, यूरिक एसिड एक तरह का पदार्थ होता है जो हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंट है. इट इज़ ए
जो हमारे ब्लड के अंदर कुछ मेटाबॉलिज्म होता है, जब हम कोई हमारा बॉडी कुछ चीज़ को बर्न करती है तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। और सामान्य तौर पे यूरिक एसिड एक हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, हमारी यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। इससे प्रॉब्लम आती है जब यूरिक एसिड एक सीमा के बियॉन्ड बढ़ जाता है और या बढ़ा रहता है लगातार। तो एक तो कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं गाउट, जो कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ओवर प्रोडक्शन होता है या कोई एंजाइम की कमी की वजह से वो बढ़ा रहता है। और कुछ लोगों का जीवन शैली ऐसी होती है जो बहुत रिच खाना खा रहे हैं, बहुत रेड मीट जिनका इंटेक बहुत है, अल्कोहल इंटेक। क्योंकि इस ज़माने के अंदर जब हम हमारी अंग्रेज़ी किताबें पढ़ा करते थे मेडिसिन में, तब बोला जाता था इज़ द रिच ब्रिटिश मेजर हु यूज़ टू गेट गाउट। पर आजकल हम देखें तो हम लोग का सभी का खाना काफ़ी रिच हो गया है। यू नो, हम लोग को कोई अब हम रिस्ट्रिक्ट करके अपने आप को नहीं खाते हैं। वी आर नॉट मॉडरेट इन मोर, वी ऑल ईट एक्सेसिव लग्जूरियस डाइट्स। दैट इज़ वन ऑफ द बिग रीजन्स हमारी कंट्री में। और एक ये बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है कि ये प्रोटीन इंटेक की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। इस चीज़ को मैं आपके व्यूअर्स को और सबको डिस्पेल करना चाहूँगा। इट इज़ नॉट जस्ट प्यूरिन, इसमें एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम कहते हैं, सॉरी प्रोटीन नहीं है ये, प्यूरिन नाम की एक चीज़ है जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन बढ़ता है। और प्यूरिन जो होता है वो रेड मीट्स में होता है जी। हमारी कंट्री ज़्यादा शाकाहारी है तो हमारे यहाँ यूरिक एसिड इसलिए बहुत ज़्यादा है। नंबर वन कॉज इज ओबेसिटी, जो सेंट्रल ओबेसिटी जिनका पेट निकल आता है, तोंद आ जाती है, वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड है वो बढ़ता है। इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जिन लोग का पेट बड़ा होता है उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ भी देखने में मिलती है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई यूरिक एसिड। और हाई यूरिक एसिड का जॉइंट्स के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, इट कैन डैमेज योर जॉइंट्स लॉन्ग टर्म के अंदर। तो हमारा मकसद होता है कि हम पेशेंट्स को सबसे पहले उनकी लाइफस्टाइल चेंज करके बोलें कि वो अपना यूरिक एसिड को कम करें। उसके कुछ कई तरीके होते हैं, मेनली डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और सब। सर अगर हम सर्जरीज की बात करें तो स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कितनी सर्जरीज अभी तक आप जो है वो कर चुके हैं और सक्सेस रेट का क्या पैरामीटर्स होते हैं? ठीक है, देखिए मैंने तो अब तो बहुत ज़्यादा सर्जरी कर ली है, शायद गिनती खत्म हो गई है, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट सिंस माई ट्रेनिंग टिल नाउ आई मस्ट हैव क्रॉस्ड ओवर 10,000 सर्जरीज। ओह माय गॉड, वी आर, हम लोग का जो जेपी अस्पताल है काफ़ी हाई वॉल्यूम यूनिट भी है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करते हैं। इसका एक कारण है कि हम वेस्टर्न यूपी का सबसे प्रिडोमिनेंट हॉस्पिटल है, तो हमारे यहाँ काफ़ी सारा रेफरल सर्विस है आसपास के सारे इलाके से, नॉट ओनली हियर, इंटरनेशनली भी हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। तो वी आर अ वेरी प्रोमिनेंट यूनिट फॉर ऑर्थोपेडिक्स एटलीस्ट, तो दैट इज़ वाई अवर नंबर्स आर वेरी हाई। और सक्सेस जो है, देखिए वो हर सर्जरी के एक अलग वो होता है उसका एस्पेक्ट। जैसे कि कैंसर सर्जरीज हम करते हैं उसमें पेशेंट जीवित है वही हमारी सक्सेस है, परंतु जॉइंट रिप्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर हमारी सक्सेस है क्या, सबसे पहले पेशेंट सेटिस्फाइड है ऑपरेशन से, क्या उसको उसकी जो अपेक्षाएं थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्या हमने उसको पूरी किया है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादातर क्या होती है मरीज़ की, क्या उनका दर्द खत्म हुआ, क्या उनके जीवन में जो मतलब बाधाएं थी क्या वो हट गई, उनके चलने फिरने की क्षमता क्या वो लौट आई, ठीक है अगर उनके पैर में टेढ़ापन था क्या हमने उनको सीधा कर दिया। तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं जो हम सक्सेस या सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट का अगर हम देखें तो जो सेटिस्फैक्शन रेट इंटरनेशनली हम देखते हैं, इट इज़ वेल ओवर 90%, सो इट इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। हमारी यूनिट्स के अगर आप देखेंगे और जेपी के अंदर, तो वी आर वेल अबव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वेल अबव, नॉट आई एम जस्ट सेइंग नॉट जस्ट मार्जिनल, वेल अबव इट। सो प्रोबेबली 95-98% सक्सेस रेट इज समथिंग व्हाट वी एनकाउंटर। कॉम्प्लिकेशन अगर हम देखें तो जॉइंट रिप्लेसमेंट वैसे ज़्यादातर बहुत ही सेफ ऑपरेशन है, इट इज़ उसमें कोई ज़्यादा रिस्क वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। जो सबसे ज़्यादा हम रिस्क जिससे हम लोग चिंतित होते हैं वो होता है इन्फेक्शन या जो घाव खराब हो जाना जिसको हम बोलते हैं, उसका रेट इंटरनेशनली इज अबाउट 1%, बट इन आवर सेंटर इट इज़ वर्चुअली नेग्लिजिबल। आई वुड से वी हैव हैड वेरी वेरी फ्यू, समथिंग विच वी कैन काउंट ऑन आवर फिंगर टिप्स एंड समथिंग विच वी हैव कंट्रोल। तो इन्फेक्शन रिस्क भी हमारे यहाँ काफ़ी कम रही है जॉइंट रिप्लेसमेंट्स की। तो आई वुड से कि जॉइंट रिप्लेसमेंट एज सच अगर हम देखें तो इट्स अ सेफ ऑपरेशन, इट्स अ रिलायबल ऑपरेशन, इट्स अ प्रिडिक्टिव, यू नो वी कैन प्रिडिक्ट कि ज़्यादातर पेशेंट्स का आउटकम कैसा होगा। रिस्क की हमने बात की और आज का टाइम आप जानते हैं कि कोविड
जैसी वक्त से हम गुजर रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि जो फिजियोथेरेपी के जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी फिजियोथेरेपी हर तीसरे दिन या हर दिन होती है, तो कितना कितना फुटफॉल रहता है? क्योंकि या तो आप घर पे बुलाइए फिजियोथेरेपिस्ट या फिर आप हॉस्पिटल आइए, और अगर आप हॉस्पिटल आते हैं तो रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ रहा है अभी तक आपका जो पूरा, आपने जो देखा है इस पूरे कुछ जो महीने निकले हैं इसमें, क्या कुछ फुटफॉल रहा है लोगों का? देखिए, जब कोविड की शुरुआत हुई थी जी मार्च में, तब तो कंप्लीट लॉकडाउन था, ऐसा नहीं था कि, लेकिन हम लोग घर बैठे थे, हम लोग वी वर स्टिल कमिंग टू द हॉस्पिटल एवरी डे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट्स उस वक्त रोक रखे थे, लेकिन जैसे कि एक्सीडेंट्स होना, घर में गिर जाना, कुछ हड्डी टूट जाना, ये तो फिर भी चलता रहता था। वॉल्यूम्स डेफिनेटली बहुत कम हो गए थे बिकॉज ट्रैफिक वॉज क्वाइट लेस, परंतु बस वही फुटफॉल था, जो हमारी इलेक्टिव फिजियोथेरेपी थी वो कुछ नहीं थी। और जब हमने सर्जरी मतलब काम अपना धीरे धीरे रिस्टोर किया, अभी भी पेशेंट्स के अंदर एक रिलक्टेंस तो है हॉस्पिटल आने के लिए। हम भी अगर पेशेंट को कोशिश करते हैं कि अगर अपॉइंटमेंट मतलब हॉस्पिटल फिजिकली नहीं देखने की ज़रूरत है, तो हम उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लेते हैं, उनके साथ फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं, वीडियो कंसल्टेशन कर लेते हैं। तो ये भी एक कई चीज़ें हैं जो कि इस पैंडमिक ने हमें सिखाई हैं, और टेलीमेडिसिन हैज़ बिकम अ बिग एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। दूसरी चीज़ हम ये करते हैं कि पेशेंट्स को हम एक्सरसाइज एक ही बार में सिखाते भी हैं। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से देखिए यूट्यूब वगैरह में इतने सारे वीडियोस हैं, हम पेशेंट्स को लिंक्स दे देते हैं, उनको समझा देते हैं आप ये कीवर्ड्स डालिए, ये एक्सरसाइजेस करिए खुद। तो हम हाँ थोड़ा सा हम टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं पेशेंट के साथ, ताकि पेशेंट खुद ही करे, और हमें पेशेंट्स को बार बार अस्पताल, जैसे हम पहले बिना किसी सोच के हम बुलवा लेते थे, अब हम चाहते हैं कि पेशेंट्स भी अननेसेसरी अपने आप को एक्सपोज ना करें, घर में ही रहें, जितना हो सके एक्सरसाइज जो घर पे हो सके वो वही करें। हाँ, लेकिन जो चीज़ें हमें देखनी है उसके लिए तो आना जरूरी है। बिल्कुल, अगर हम मिथ्स की बात करें तो बहुत टिपिकली मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने ऐसा सुना है और बहुत सारी जगहों पे ऐसा कहा भी जाता है कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे खड़े होकर पानी नहीं पीना घुटने खराब हो जाएंगे, या खड़े होकर दूध भी नहीं पीना घुटने खराब हो जाएंगे, तो ये तमाम चीजें जो रहती हैं, आप कितना इन सब चीजों से वाकिफ हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं? देखिए, जो आपने अभी मेरे को दो तीन इंसिडेंट्स बताए हैं, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं हमारे लिए, और अगर आप इंडिया के हर भाग में चले जाएंगे वहां पे कुछ ना कुछ अलग अलग मिथ्स चलते हैं, मतलब आप फैमिली टू फैमिली जाएंगे तो मिथ्स बदलते रहते हैं। बट हम लोग सर्जन्स हैं, हम लोग एक साइंटिफिक पीपल हैं, हम लोग एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से होते हैं, हमारा काम पेशेंट को एक साइंटिफिक एडवाइस देने का है, तो हम उनको वो एडवाइस देते हैं जो एक साइंटिफिक एविडेंस या तथ्यों के ऊपर बेस्ड होती है। कई मिथ्स ऐसे हैं जिसको हम डिस्पेल कर सकते हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। कई मिथ्स ऐसे हैं जो हम मानते हैं कि यस, देयर इज ए साइंटिफिक एविडेंस टूवर्ड्स इट, नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम, और कई ऐसे हैं जो कि इतने मतलब स्ट्रेंज हैं कि ना हम उनको प्रूव कर सकते हैं ना डिसप्रूव कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स एज अ सर्जन, एज अ डॉक्टर, हमारा काम ये होता है कि हम पेशेंट को वो एडवाइस दें जो सच्ची है, जो हम हमारे को साइंटिफिकली, जिसको एक रैशनल है, जिसके पीछे एक लॉजिक है, तो हम वो एडवाइस देते हैं पेशेंट को, ना सिर्फ कि जो सोसाइटी में प्रेवलेंट मिथ्स हैं, क्योंकि मिथ्स बहुत सारे हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ मिथ्स हम डॉक्टर्स नहीं प्रोपोगेट किया हुआ है, तो वो भी हम डिस्पेल करते हैं जी। इसमें मैं ऐड ऑन एक और चीज जरूर करना चाहूंगी कि ऐसा अक्सर हमने देखा था रूरल एरियाज में, अभी भी देखते हैं, और गांव वगैरह में जब ये देखा जाता है कि जब किसी छोटे बच्चे मोच आ जाती है या मान लीजिए कि बोन क्रैक ही है, तो भी जो है लोग रिलाई करते हैं मोर ओवर कि वो पहलवान के पास जाए इंस्टेड ऑफ कि किसी डॉक्टर के पास जाए, तो ये कितना ठीक है? और क्या ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा होता भी है कि उनसे भी जो है ट्रीटमेंट जो मिलता है वो काफी हद तक ठीक रहता है? देखिए, एक जमाने के अंदर डॉक्टर्स नहीं थे हमारे देश में, हमारे यहाँ वैद्य होते थे या ओझा होते थे या झाड़ फूक वाले होते थे, और पहलवान भी एक उसी पार्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के एक सिस्टम में थे आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, तब शायद डॉक्टर भी उतने हम साइंटिफिक नहीं होते थे। तो जहाँ तक ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट्स होते थे वो ट्रेडिशनल बोन सेटर्स या पहलवान जिसको हम बोलते थे वो लोग किया करते थे। पर देखिए, समय बदल गया है, हम लोग साइंटिफिक एडवाइस हमारी, अब हम लोग जो ट्रीटमेंट्स देते हैं वो काफ़ी साइंटिफिक होने लगा है, रैशनल होने लगा है। और दूसरी चीज़ है कि हमें
ऐसा चाहिए कि अब जो हमारा ट्रीटमेंट है हम उसको प्रिडिक्ट कर पाएं, कि हम हमें चाहिए कि 95% 99% सक्सेस रेट मिले। तो इसलिए आजकल ट्रीटमेंट ज़्यादातर साइंटिफिक होते हैं, तो किसी को मोच लग गई या हड्डी टूट गई तो अब हम उसके लिए सीधा मतलब वो पहलवान वाला ट्रीटमेंट नहीं करते, हम एक्सरे लेते हैं, उसके अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, कभी हमें हड्डी बिठाते हैं उसको प्लास्टर करते हैं या फिर कभी हमें उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। तो हमारा एंड पॉइंट अब हो गया है कि हम फुल फंक्शन पे अचीव करना चाहते हैं पेशेंट को। तो अब आजकल मॉडर्न मेडिसिन के समय में अब मेरे ख्याल से ये ट्रेडिशनल मेथड्स का कोई रोल नहीं है, एक्सेप्ट कि कभी हम ज़रूर वो ट्रेडिशनल मेथड्स को स्टडी करते हैं, जो भी वो ट्रेडिशनल मेथड हमें लगता है कि हाँ इसके अंदर कुछ सच्चाई है, इसके अंदर कुछ सक्सेस रेट है, हम उसको मॉडर्न मेडिसिन में इनकॉर्पोरेट करें। तो मॉडर्न मेडिसिन जो हमारी है, जिसको हमारे यहाँ एलोपैथी भी बोलते हैं, बट आई डोंट लाइक दैट टर्म एलोपैथी, बट जो मॉडर्न मेडिसिन जो कि साइंटिफिकली बैक्ड मेडिसिन है, उसके अंदर हम वो सारे ट्रीटमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं जो सेफ हैं, जो हम सक्सेसफुल हैं, जो लॉजिकल हैं और साइंटिफिक। क्योंकि ये पूरा जो प्रोसीजर है वो बहुत कॉमन है, आपके जो डिपार्टमेंट का पूरा काम जो है वो बहुत कॉमन है, और इसमें न सिर्फ एज वाली बात हमने की बल्कि एक्सीडेंट्स की भी अगर हम जब बात कर रहे हैं तो एक्सीडेंट बोन क्रैक जो चीज है वो बहुत देखने को मिलती है। और साथ ही एक खुद एग्जांपल भी मैं दूंगी कि हमारे भी एक नोन है जो कि जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी पूरा जो घुटना है वो पूरा चूर चूर हो गया था एक तरीके से टिपिकली कहें तो, और उसको पूरे को वायर से बांधा गया, और थैंकफुली उनकी एज कम थी, या फिर एज फैक्टर आप ही मुझे बताएंगे कि क्या वो सिर्फ एज फैक्टर था जिसकी वजह से वो वापस अपने पैरों पर खड़े होके आज चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं या एज फैक्टर पे डिपेंड करती है, और एक्सीडेंटली बोन क्रैक जो है का पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे आप इसको पूरा तो देखिए हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा सिवियर भी हैं और कॉमन भी हैं। इनफैक्ट वी आर हमारे पूरी दुनिया के अंदर हम अगर आंकड़े देखें तो हम लोग प्रॉबेबली फोर फ्रंट में हैं एक्सीडेंट्स के, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप नोएडा में ही चले जाइए आप, कितना रॉन्ग साइड ड्राइविंग, लाइट्स फुल बीम पे लोग चलाना, एंड हम लोग एकदम एक डेथ विश के साथ रोड पे निकलते हैं, हमें लगता है हमें कुछ नहीं होगा, ये तो हम सुनते हैं, बट टिल वी आर ऑल इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। गाड़ियाँ आजकल बहुत हाई स्पीड हो गई हैं, लोगों के अंदर अंकुश बहुत कम है स्पीडिंग करने में, तो वी आर अ वेरी हाई एक्सीडेंट कंट्री। और यस, हम लोग का हॉस्पिटल, क्योंकि वी आर अ वेरी टर्शियरी रेफरल टाइप ऑफ यूनिट, तो हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लेक्स काफ़ी सीवियर ट्रॉमा आता है। तो ट्रॉमा जब आता है, पेशेंट आते हैं हमारे पास सीवियरली इंजर्ड जो पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है जिससे हम उनको ट्रीट करते हैं। ये प्रोटोकॉल ATLS नाम का होता है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, इसका फुल फॉर्म है एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। तो उसके अंदर हम एक प्रायोरिटी बेसिस पे काम करते हैं कि सबसे पहले पेशेंट की जान बचानी है। जान बचाने के लिए हम ABC देखते हैं, एयरवे सबसे पहले, जो किसी चीज़ को मारता है, किसी का अगर सांस रुक जाए सबसे जल्दी मर जाएगा मिनट्स के अंदर। दूसरी चीज़ अगर पेशेंट ब्रीद नहीं कर रहा है तो भी जल्दी मर जाएगा। तो तीसरी चीज़ अगर सर्कुलेशन कहीं से खून बहे जा रहा है, हम उसको रोक नहीं रहे, तो इस तरह के हमारे प्रोटोकॉल होते हैं, एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल है, ये डेवलप्ड है अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू एविडेंस, थ्रू स्टडीज। तो हम ATLS प्रोटोकॉल से हमारे पेशेंट्स को, सीवियरली इल पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। फ्रैक्चर्स, जहाँ भी सीवियर फ्रैक्चर्स हम एनकाउंटर करते हैं, उनके अलग अलग प्रकार हैं उनको ट्रीट करने के। कभी कभी हम ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं, प्लास्टर यूज़ करते हैं, और जो भी सर्जरीज हैं वो यूज़ करते हैं। सर्जरीज, ट्रॉमा सर्जरीज अब इतनी एडवांस हो गई हैं, इनफैक्ट मुझे ही अब 20-22 साल के अंदर जो मेरी ट्रेनिंग के टाइम से और अभी तक मैंने इतना एडवांसमेंट देखा है। जो पहले लिम्स को काट देना पड़ता था वो आजकल वी आर एबल टू सेव देम वेरी इजीली। तो उसका कुछ तो श्रेय जाता है जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, जो और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स निकाले हैं। दूसरा, इम्प्लांट कंपनीज को भी ज़्यादा है, बिकॉज एक अलग अलग प्रकार के इम्प्लांट्स आए हैं जो हम पहले सर्जरीज करने में इतनी परेशानी होती थी, आजकल हम वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो वो सारी हमारी जो चीज़ें हैं जिससे बहुत ज़्यादा आजकल हम लिम्स सैल्वेज कर लेते हैं और हम फंक्शन पूरा का पूरा पेशेंट का लौटा देते हैं, जो हम पहले पॉसिबल ही नहीं होता था कि वी कुडंट इवन थिंक ऑफ इट। अब हमारा मकसद होता है, मोस्ट ऑफ माय पेशेंट मैं नेक्स्ट डे इनको खड़ा करके चलवा रहा होता हूँ, जहाँ हम पहले 3-3 महीने लेटाए रहते थे। जहाँ तक एज का सवाल है, डेफिनेटली इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस। यंग पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, तो बहुत बड़ा घात वो सह लेते हैं अपने शरीर पे बिफोर द डीकंपेंसेट, प्लस रिकवरी बहुत क्विक होती है। देखिए, हीलिंग कैपेसिटी होती है, पर
देखिए सबसे ज़्यादा रिकवरी होती है कि आप कितने हेल्दी हैं, और एज इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर है, ठीक है आप यंग हैं तो आपके अंदर बहुत हेल्थ रिजर्व्स हैं, बट हमारे यहाँ कई 35 साल की उम्र के लोग ऐसे होते हैं जैसे 65 साल के हो गए, क्योंकि उनकी जीवन शैली इतनी ख़राब है, खान पान इतना ख़राब है, एक्सरसाइज नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ यूथ को ग्रांटेड के लिए लेना है कि हम यंग हैं तो हम सब चीज़ से रिकवर कर जाएंगे, वी शुड ऑल पे अटेंशन टू अवर हेल्थ। क्योंकि आप एक लंबे समय से जेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो जेपी की अगर हम रैंकिंग की बात करें आपके डिपार्टमेंट में, तो क्या क्या रैंकिंग रहती है, तो यूजुअली अगर लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पर आना तो वो क्या माइंडसेट के साथ आए? देखिए जैसा कि मैंने बताया कि हम एक टर्शरी रेफरल सेंटर है, यानी कि हम अगर हम देखें तो कम्युनिटी के अंदर कुछ डॉक्टर्स होते हैं, फिर उसके ऊपर अस्पताल होते हैं कई, फिर कई ऐसे अस्पताल होते हैं जहाँ पे बाकी अस्पताल में जो डील नहीं होता है वह वहाँ आता है, तो हम लोग एक एपेक्स सेंटर है, यानी कि पूरे NCR, वेस्टर्न UP, बल्कि ऑलमोस्ट नेशनली अब हम लोगों की रेपुटेशन ऐसी है कि बाकी जो शहरों के अंदर बाकी सर्जन्स लोग नहीं डील करते वो हमारे पास भेजते हैं और हम उसके साथ न्याय करने की कोशिश करते हैं। सो यस वी आर आई वुड से वेरी हाईली रैंक्ड। तो डूज और डोंट्स की बात कर लेते हैं कि बीइंग मतलब बीइंग अ डॉक्टर आपका क्या एडवाइस है हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या उन्हें इन सब चीजों से, आई मीन जो आपका डिपार्टमेंट जिन सब चीजों को डील करता है उन सब चीजों से बचने के लिए उन्हें क्या कुछ अपनी रेगुलर लाइफ में, क्योंकि आपने जैसा बताया कि लाइफस्टाइल खान पान सब चीजें बदल गई, तो क्या चीजें जो है वो करनी चाहिए। और साथ ही मैं एक और चीज ऐड जरूर करना चाहूंगी कि पहले जैसा हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे, आपने बताया कि पहले हम नीचे बैठ के खाना खाते थे, आज हम डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, हम टेबल चेयर का इतना इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कुछ चीजें जो चेंजेस करने की जरूरत है, और अगर जरूरत नहीं है तो क्या कुछ ऐसा हम ऐड कर लें लाइफ में कि ये परेशानियों का सामना जो है वो ना करना पड़े, मतलब इनिशियल आप यंग एज में आप 18 के 17 के हैं, आप तभी से वो चीजें अपनी लाइफ में लेके आए ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ही ना करनी पड़े। जो आपका आखिरी स्टेटमेंट था कि 17-18, मैं तो कहूंगा उससे भी पहले, बिल्कुल आजकल बच्चों में ही हम इतना मोटापा देख रहे हैं, मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो कि मतलब हु आर नॉट एबल टू स्क्वाट ऑन द फ्लोर, हम बचपन के अंदर तो टॉयलेट्स इंग्लिश स्टाइल होती नहीं थी, हम लोग खेलते कूदते भी जमीन पे थे, गांव जाते थे तो जमीन में बैठ के खाना भी खा लेते थे, आजकल हमारे बच्चे 5 मिनट जमीन में बैठते हैं उनके पैर दर्द होते हैं, पीठ दर्द होने लगती है, तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम लोगों ने खो दी, और जो हमारा जो शरीर है दैट हैज़ इवॉल्वड इन द जंगल्स, हमारे जो एंशियंट अगर आप एंसेस्टर्स देखें तो 3 मिलियन ईयर्स तक इंसान जंगलों में था, 20,000 साल से हम लोग सिटीज के अंदर और इसके अंदर, तो ये अर्बन लाइफस्टाइल जो है इट्स अ वेरी रीसेंट फिनोमेना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिस अगर हम इनके बारे में सोचें तो हमें एक किस तरह से हमारे एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं उसके बारे में हमें आइडियाज मिलते हैं, क्लूज मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी डाइट, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 70%, मतलब इवन दो आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेरा बहुत ज़्यादा वक्त अपने पेशेंट को उनकी डाइट समझाने में जाता है। आजकल जो खाना है वो हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ऑल ऑफ अस आर ईटिंग प्रॉब्ली 70% मोर देन व्हाट वी नीड टू ईट। आप देखिए जो शरीर है आजकल, पेट निकला होना एक हम लोग एक्सेप्ट कर लिया है कि एक नेचुरल पार्ट ऑफ द लाइफ है, कि सबका पेट तो थोड़ा निकल ही आता है, ये हम मानते हैं। आज से 50 साल पहले जाएं तो लोग पतले पतले होते थे, दुबले पतले होते थे, जमीन पे बैठ लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, तो एक ये एक बहुत बड़ा एक चेंज आया है हमारा परसेप्शन में कि हम एक ओबेसिटी को एक नेचुरल पार्ट मानने लग गए हैं। बच्चे आजकल ओबीस होते हैं, पेरेंट्स को लगता है तो हेल्दी है, स्वीट है, है ना, और आप किसी के बच्चे को अगर टोकें कि नहीं ये थोड़ा सा ओवरवेट हो रहा है तो वो हो सकता है बुरा भी मानिए, और बल्कि दे शुड बिकम अवेयर कि अगर चाइल्डहुड ओबेसिटी है तो हायर रिस्क ऑफ डायबिटीज वेरी अर्ली इन लाइफ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डाइट के हिसाब से मेरा ये मानना है कि हम लोगों एटलीस्ट इंडिया के अंदर सबसे हमारा डाइट के अंदर हमें सिर्फ अगर एक मंत्र यूज़ करना है तो हमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जाना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट। हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, सबसे ज़्यादा जो मात्रा है हम लोगों के खाने में वो अनाज की, गेहूँ चावल, 4 रोटी खाएंगे, इतनी सी सब्जी खाएंगे, अचार के साथ खा लेंगे, उसमें कोई पोषण नहीं मिलता, प्रोटीन इनटेक इज़ वेरी लिटिल। उसी तरह से हम लोगों की जो आदत हो गई है आजकल हम फ्रीक्वेंटली खाने लग गए हैं, हमें हर 2 घंटे में कुछ खाने को चाहिए, हमारे पूर्वज होते थे वो 2 बार खाते थे, हमारे कहा जाता था 2 वक्त की रोटी, या वेस्ट में जाइए 2 स्क्वायर मील्स अ डे, इट शुड हैव बीन 2 मील्स। हम लोग कॉन्स्टेंटली अपने पेट को फिल्ड रखते हैं,
ऑल दीज थिंग्स हैव गॉट ए वेरी हाई इम्प्लीकेशन. हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ा रहता है, कॉन्स्टेंटली शुगर बढ़ा रहता है. दैट इज़ वाई वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. एंड डायबिटीज हैज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, बहुत उसका अहम रिलेशन है हमारी सेहत के साथ. हमारे मसल्स वीक करता है, हमारी बोन्स को वीक करता है, हमारे को प्री मेच्योर आर्थराइटिस के लिए प्रोन करता है. तो मेरा है कि मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस रहेगी, आप अपने डाइट को के ऊपर झांकिए, देखिए अपने डाइट को क्या खा रहे हैं, बिकम अवेयर ऑफ योर सेल्फ कि आप कॉन्स्टेंटली कितना खा रहे हैं. आप सिर्फ सुख के लिए खा रहे हैं कि सिर्फ पोषण के लिए खा रहे हैं. दूसरी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी. हम लोग बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं हमारी एक्सरसाइज के लिए. आप आधे घंटे एक घंटे जिम कर लेते हैं, आपको लगता है आपने बहुत कर लिया. दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ. इफ यू गो बैक अनदर 100 years ago, यू वुड सी 80% वक्त इंसान खड़ा रहता था या चलता था. हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर भी तो वो सुबह उठे अपना, उसके बाद से पूरा दिन चल ही रहे होते थे, खेत में जाते थे. 80% हिंदुस्तानी लोग खेत में काम करते थे, तो पूरा दिन काम करते थे वो, फिजिकल लेबर. आजकल हम लोग 80% टाइम बैठे रहते हैं कुर्सियों पे. उस वजह से हमारी पीठें दर्द करती हैं, हमारे घुटनों में दर्द होता है, हमारे एड़ियाँ दर्द करती हैं, ये सब उसी से रिलेटेड है. थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं आप एक्सरसाइज करें या जिम जाएं, सिर्फ आप अपना अपने काम पे किस तरह से आप अपने आप का अपना पोस्चर मेंटेन करते हैं, सिर्फ दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस. तो ऑल दीज थिंग्स हैव ए बिग रोल टू प्ले, मतलब एंड ऑल दिस इज इन लाइफ स्टाइल. तो लाइफ स्टाइल के अंदर भोजन भी आ गया, एक्सरसाइज भी आ गया, और दिनचर्या के काम आप कैसे करते हैं वो सब आ जाते हैं. तो वो सब में जितना आप फिजिकली लेबोरियस होंगे, जितना आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, उतना अच्छा है. यानी क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं, क्वालिटी ऑफ फूड पे. क्वालिटी इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत महंगे महंगे पकवान खाने हैं. क्वालिटी का मतलब है कि इंसान को सबसे ज़्यादा सब्जियाँ खानी चाहिए. हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हम अनाज खाते हैं, ठीक है. हमारे जो पूर्वज थे जिनका एवोल्यूशन मैं आपको बता रहा था, वो एवोल्यूशन हुआ था हंटर गैदरर्स के थ्रू. मोस्टली वो लोग क्या सब्जियां गैदर कर रहे होते थे, कभी रूट खा लिया, कभी कोई फल खा लिया, ये होता था भोजन. आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा अनाज खाने लग गए हैं, तो अनाज की मात्रा स्पेशली गेहूँ की, मुझे लगता है गेहूँ और चावल की मात्रा कम होनी चाहिए हम लोग के खाने में, सब्जियों की मात्रा बढ़ानी चाहिए. विटामिन्स की अगर हम बात करें तो विटामिन डी, बी और तमाम तरीके के विटामिन्स जो हैं वो कमी देखने को मिलती है बहुत ज्यादा. तो ऐसे में और स्पेसिफिकली ऑर्थो डिपार्टमेंट में जो आप लोग पेशेंट से मिलते हैं, तो ऐसी कौन सी विटामिन की कमी, ऐसी कौन सी कमी होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? ये आपका बहुत अच्छा और बहुत अहम सवाल है. विटामिन डी की कमी आजकल आप देखें तो एकदम यूबिक्विटस है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर. हम लोग आजकल तो कई बार चेक भी नहीं कराते क्योंकि इट इज़ सो ऑब्वियस कि विटामिन डी के, और विटामिन डी के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं हर तरह की सेहत में, सिर्फ जॉइंट्स की नहीं, आपकी इम्यूनिटी, आपकी रिस्क ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मेंटल हेल्थ, सब में एक उसका बहुत बड़ा रोल है. विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है कि हमारे स्किन को कितना सन एक्सपोजर मिल रहा है उसके बेसिस पे. अब आजकल तो आप देखिए हम लोग पूरी तरह से हमारी देह ढकी होती है, हमारे चेहरे को धूप मिलता है, और उसके अंदर भी हम टोपी लगा लेंगे या चश्मा कि हमें धूप ना लगे, ठीक है. तो हमें हार्डली कोई सनलाइट एक्सपोजर होता है. एंड मतलब ओनली 2-3 generations ago लोग 6-8 hours सन में रहते थे, ऑलमोस्ट पूरी देह को धूप लगती थी, तो विटामिन डी एडिक्वेट हो जाता था. आजकल लाइफस्टाइल ही अलाउ नहीं करती है, तो इट्स गुड टू टेक विटामिन डी. इज इंपॉर्टेंट, विटामिन डी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. द अदर वन विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज विटामिन B12, जिसकी कमी हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं. B12 सबसे ज़्यादा बनता है बैक्टीरिया से. पहले हम सब्जियाँ वगैरह खाते थे, उसमें एक थोड़ी सी गंध होती थी, उसकी वजह से B12 की हमें मात्रा बुरी मिल जाती थी. आजकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, दोज बैक्टीरियाज हैव बीन किल्ड ऑफ, तो B12 की कमी भी बहुत कॉमन है. तो ये सब हम एज सप्लीमेंट्स देते रहते हैं पेशेंट्स को. जी जी, तमाम जानकारी के लिए और तमाम पूरे वक्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम के साथ जुड़ने के लिए माय प्लेजर. तो ये थे डॉक्टर गौरव राठौर जेपी हॉस्पिटल से. अगली बार डॉक्टर स्पेशल में एक और डॉक्टर से आपका मुलाकात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आपके लिए अच्छा है. फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.